अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है क्लास? अच्छा जी, हम बात करते लास्ट टाइम हमने बात की थी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वेंसडे वाली क्लास में। दैट वाज ओम मीटर, और हम बात कर रहे थे कि ओम मीटर किस तरीके से डिज़ाइन होता है, ठीक है, और किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगी कि हमने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि भाई हम ओम मीटर को एक सिंपल ओम मीटर, ठीक है, फॉर सिंगल रेंज किस तरीके से काम कर रहा होता है। उसके लिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने इस तरह का सर्किट डिस्कस किया था, और हमने कहा था कि भाई इस तरीके से हमारे पास एक अदद ओम मीटर होता है, जिसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम ये दी थी आपको सही है, कि उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करके, स्केल डिज़ाइन करके भी बताया था कि भाई किस तरीके से आपके पास स्केल डिज़ाइन होता है यूजिंग करंट, जो हम मुख्तलिफ FSDs पे जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं और फिर ये स्केल डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये पूरा सर्किट हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो मीटर रेजिस्टेंस होती है और ये जो एमीटर लगा हुआ है, बेसिकली PMMC कॉइल, PMMC इंस्ट्रूमेंट के कॉइल की रेजिस्टेंस और करंट को शो कर रहा होता है। मतलब ये इस मीटर को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि इसके अंदर एक PMMC इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके साथ हम फिर अपनी अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करके जो है वो इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था, सही है, इसी फिनोमेना को यूज़ करते हुए, और उसी न्यूमेरिकल को यूज़ के थ्रू हमने इस स्केल को डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी कि भाई जो ओम मीटर होता है, आपके पास कोई भी बैटरी होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बैटरी के वोल्टेजेस होते हैं वो कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, फॉल करते हैं। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमने कहा था कि भाई उसको एडजस्ट करने के लिए एक ज़ीरो कंट्रोल रजिस्टर लगाना होता है इन पैरेलल विद दिस मीटर, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसके ये जो वोल्टेज इशू आ रहा होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसके थ्रू हम ज़ीरो को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वोल्टेजेस पे। सही, फिर उसका भी पूरा आपने न्यूमेरिकली देखा था कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अभी तक जो हम बात की हमने वो सिंगल रेंज ओम मीटर्स की हम बात करते आ रहे थे कि सिंगल रेंज ओम मीटर्स किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई हम इसको मल्टी रेंज बनाना चाहते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था आपके वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में हमने देखा था कि भाई हम जो सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे थे फॉर इंक्रीजिंग द रेंज, हमने कहा था कि भाई वो सीरीज रेजिस्टेंस के साथ आप मल्टीपल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें और साथ में एक अगर स्विच कनेक्ट कर दें और स्विच को आप वो सिलेक्टर के थ्रू चेंज करते रहें तो आपके पास उसकी रेंजेस चेंज हो जाएंगी। वोल्ट मीटर में हमने बात की थी, वोल्ट मीटर में हम कर क्या रहे होते थे, अल्टीमेटली रेंज को इंक्रीज करने के लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा रहे होते थे। ठीक है, और हमने कहा था कि भाई हम अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा दें उसी सीरीज में,
और उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दें, तो हम अपने हिसाब से रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम बात करते हैं कि भाई हम इस तरीके से अगर ओहम मीटर भी बनाना चाहें फॉर मल्टी रेंज, ओहम मीटर भी हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते थे कि भाई मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं मल्टीपल रेजिस्टेंस लगा देती हूँ। मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाने के बाद इस सर्किट में हम उसको स्विच के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और ज़ाहिर है स्विच को जिस पोजिशन पर करूँगी उस रेंज के हिसाब से आपके पास काम होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी आप इस तरीके से करोगे, अगर इस तरीके से सर्किट डिजाइन करोगे, फॉर मल्टी रेंज, तो आपके पास अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको हर उसके लिए अलग जीरो कंट्रोल रेजिस्टेंस भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब आपके पास वोल्टेजेस का इशू आएगा, ठीक है, तो आपको हर उसके लिए जो है वो अलग जीरो कंट्रोल रजिस्टर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास जो सर्किट ड्राइव हुआ, जो सर्किट बनाया गया, दैट वाज शंट ओहम मीटर सर्किट। ठीक है, जो आपके पास एज अ मल्टी रेंज ओहम मीटर काम करता था। ठीक, इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा आपको जीरो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, माइनर एडजस्टमेंट से भी आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें लिखी हुई है, हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, द सीरीज ओम मीटर डिस्कस इन सर्किट डिस्कस इन सेक्शन 3-A कुड बी कन्वर्टेड इनटू मल्टी रेंज ओम मीटर बाय एम्प्लॉइंग सेवरल वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R1 एंड फिगर 3-22। मैं R1 की जगह मल्टीपल रेजिस्टर्स लगा दूँ और स्विच से उसको कनेक्ट कर दूँ, तब भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है, द मेजर इनकन्वीनियंस ऑफ सच अ सर्किट इज द फैक्ट दैट अ लार्ज एडजस्टमेंट ऑफ द जीरो कंट्रोल R2 इन वुड हैव टू बी मेड एवरी टाइम द रेजिस्टेंस रेंज चेंजेस। मतलब जब जब मैं रेजिस्टेंस की रेंज चेंज करूँगी, मुझे जीरो एडजस्टमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इन द शंट ओहम मीटर द एडजस्टमेंट इज नॉट नेसेसरी वंस द जीरो द इंस्ट्रूमेंट कैन बी स्विच बिटवीन द रेंजेस विद ओनली माइनर जीरो एडजस्टमेंट। ठीक है, शंट ओहम मीटर जो डिज़ाइन किया गया उसमें आपके पास जीरो एडजस्टमेंट आपको बार बार नहीं करनी पड़ती, एक दफ़ा आप जीरो एडजस्टमेंट कर देते हो तो आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाता है। ठीक है, इसका जो सर्किट है, मैं डायरेक्ट इस सर्किट को दिखाती हूँ। ठीक है, इसका जो सर्किट है आप देख सकते हो, दिस इज़ द सर्किट जो आपके पास जो है वो शंट ओम मीटर के लिए, मल्टी रेंज ओम मीटर के लिए बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इमेज इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि डायरेक्ट बुक जो है वो स्कैन कॉपी है। ठीक है, ये इमेज आपके पास क्लियर नहीं है, वरना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, ये बेसिकली मीटर है और इसमें नॉब है। ठीक है, ये नॉब मतलब सिलेक्टर है। ठीक है, जो सिलेक्टर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली ये किया क्या है, आपके पास ये जो आप ऊपर तीन अदद चीज़ें देख रहे हो, दैट दो रेजिस्टेंस फॉर एक मीटर, ये बेसिकली RM और ये क्या है, मीटर क्या शो कर रहा है आपके पास, ये आपके पास मीटर की FSD वैल्यू, PMMC इंस्ट्रूमेंट की FSD वैल्यू और उसकी रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, दिस रेजिस्टर इज फॉर जीरो एडजस्टमेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू जीरो को एडजस्ट इस केस के लिए एडजस्ट करके 2 पॉइंट, इसकी फुल रेंज इस वेरिएबल रजिस्टर की फुल रेंज 5K है और इसको एडजस्ट करके क्या जीरो एडजस्ट करके क्या बनाया हुआ है, 2.875K। ठीक है, और ये जो आपके पास नीचे पूरा सर्किट है, ठीक है, ये फॉर मल्टीपल रेंजेस है। ठीक है, एज यू कैन सी ये मार्क भी हुआ है कि R × 1 मतलब फॉर वन रेंज आपके पास ये वाला सर्किट है, फॉर R × 10 ये वाला, फॉर R × 10K ये वाली पैरेलल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और किया हुआ क्या है कि आपके पास बाकी सारे रेंजेस के लिए
कौन सी बैटरी सप्लाई दी हुई है आपके पास? 1.5 रेंज वाली बैटरी सप्लाई दी हुई है, और फॉर दिस 10K, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है, तो इसके लिए 15 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, ठीक है? मतलब फॉर आर मल्टीप्लाई बाय 10 और आर मल्टीप्लाई बाय 1 के लिए जो सप्लाई बैटरी यूज़ होगी वो 1.5 वोल्ट होगी, ठीक है? और फॉर आर मल्टीप्लाई बाय 10K, मतलब इस रेंज के लिए, के की 10K वाली रेंज के लिए आपके पास ये 15 वोल्ट की बैटरी यूज होगी, सही है? अच्छा, ये RX जो है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, दैट इज बेसिकली अवर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है? ये आपके पास एक अदद अननोन रेजिस्टेंस है, सही है? तो ये आपके पास ओवरऑल सर्किट है फॉर शंट मल्टी रेंज ओम मीटर, जिसके थ्रू आप इसको जो है वो मल्टी रेंजेस के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ, मतलब मैं इससे 1 ओम भी मेजर कर सकती हूँ, मैं इससे जो है वो 100 ओम भी मेजर कर सकती हूँ, मैं इससे जो है वो 400 ओम भी मेजर कर सकती हूँ, और इससे मैं 1K भी मेजर कर सकती हूँ, और मैं 10K भी मेजर कर सकती हूँ, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द वैल्यू जो मैं मेजर करना चाह रही हूँ, ठीक है? तो जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगी वो हम इस RX पे कनेक्ट करेंगे, और हम इसके थ्रू रेंज सेलेक्ट करके हम अपने अननोन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, इसका मकसद क्या है आर मल्टीप्लाई बाय 1 का और आर मल्टीप्लाई बाय 10 का और आर मल्टीप्लाई बाय 10K का? कि फॉर सपोज अगर मैंने सिलेक्टर को इस वैल्यू पे सिलेक्ट किया हुआ है, इस पॉइंट पे कनेक्ट किया हुआ है, देखो ये पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये इंटरनली यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, ठीक है? जब मैंने अपने सिलेक्टर को इस पॉइंट पे किया हुआ है, अब मेरे पास रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू आ रही होगी उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप अपने मल्टीमीटर्स में करते हो, आपके पास जो लैब में मल्टीमीटर होता है आप उसमें भी तो करते हो कि भाई सिलेक्टर जहाँ रखा होता है अगर वो के की रेंज पे रखा हुआ है तो मुझे के से जो भी वैल्यू आ रही होगी उसे के से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ भी ऐसे ही काम है, अगर फॉर सपोज मैंने यहाँ सिलेक्टर किया हुआ अपने आर मल्टीप्लाई बाय 10 वाली रेंज पे और मेरी रेजिस्टेंस आई 2, तो इसका मतलब है वो 2 नहीं है, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 है, मतलब वो 20 है, सही है? अगर मेरी रेजिस्टेंस आई 5 तो वो 5 नहीं है, वो क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज़ इक्वल टू 50, सही है? तो इस तरीके से ये रेंजेस आपके पास डिफाइन हुई भी होती हैं, ठीक है? आई होप यहाँ तक बात समझ में आएगी। इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ तो चीज़ मजीद बात मजीद क्लियर होगी, ठीक है? फिर कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, न्यूमेरिकल क्या है? कैलकुलेट द मीटर करंट एंड इंडिकेटेड रेजिस्टेंस फॉर द ओम मीटर सर्किट ऑफ फिगर 3-23A ऑन इट्स 1 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई बाय 1 रेंज व्हेन RX इज इक्वल टू 0 एंड RX इज इक्वल टू 24, ठीक है? वो कह रहे हैं कि भाई आप मीटर का करंट बताएं हमें, ठीक है, जो मीटर पे कितना करंट आएगा, और आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये FSD वैल्यू होती है, ठीक है? कह रहा है मीटर का करंट बताएं हमें और रेजिस्टेंस बताएं, इंडिकेटेड रेजिस्टेंस बताएं, जब हमारा सिलेक्टर किस पे हो, रेंज क्या हो हमारी आर मल्टीप्लाई बाय 1 पे, और हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है RX इज इक्वल टू 0, ठीक है, और RX इज इक्वल टू 24 ओम, सही? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जब हमने इस सर्किट को इस रेंज पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय 1 के लिए सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये सारे जो सर्किट थे मेरे लिए, ये सारी जो रेजिस्टेंस थी सिलेक्टर इस पे नहीं है, ठीक है, तो ये सारी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गई, यूजलेस हो गए, सही है? ये सारे ओपन, ये सारे कनेक्टेड नहीं है तो ये क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई, ठीक है? इसमें से कोई, क्योंकि इसका स्विच ऑन है, ये सारी जो है ये स्विच क्लोज नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली इसके साथ स्विच लगा हुआ है तो ये स्विच क्लोज है, तो अल्टीमेटली ये सारे रेजिस्टेंस क्या हो गए, ओपन सर्किट हो गए। तो मेरा इक्विवेलेंट जो सर्किट बचा वो खाली क्या सर्किट बचा, फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर दो, ठीक है, आपके पास समझो जब आपने सिलेक्टर R-1 पे कर आर मल्टीप्लाई 1 पे कर दिया तो आपके पास ये सर्किट एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या, आपके पास ये सर्किट बचा, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस 14 ओम, 10 ओम और ये वाला सर्किट पूरा बचा, ठीक है।
मतलब जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हूँ समझो आपके पास सर्किट में वो चीजें बची, ये सारी रेजिस्टेंसेस सही है और आपके पास ये वाला सर्किट ठीक है, और अलोंग विद दिस 1.5 बैटरी ठीक है, तो ये आपके पास ये बचा, ये सारी रेजिस्टेंस जो 140 है और 1470 है, 20K, 236K, ये सारी क्या हो गई, ओपन सर्किट हो गई, क्योंकि स्विच इसके लिए कनेक्ट हमने जो सिलेक्टर सिलेक्ट किया हुआ है वो इधर किया हुआ है, पर आर में ट्रिपल है 1 के लिए किया हुआ है, तो इसका मतलब ये 14 ओम वाला रेजिस्टेंस जो है वो ये 14 ओम वाला रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ठीक है। तो अगर हम इसको नोट करें इस सर्किट को, तो मैं अल्टीमेटली अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाना चाहूँ तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बनेगी कि भाई मेरे पास एक 1.5 ओम की बैटरी है ठीक है, और जो है वो उसके साथ दो रेजिस्टर्स जो है वो लगे हुए हैं, एक RX है और एक 14 ओम है ठीक है, फिर पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा हुआ है 10 ओम का सही है, और अल्टीमेटली फिर सीरीज में आपके पास ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं अलॉन्ग विद, जब ये सब सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा ये सारी चीज़ें, तो ये सारी 9K, 900 ओम, 90 ओम ये सब क्या आ जाएगी, सीरीज में आ जाएंगी, तो इसका मतलब मेरे पास ये सारे ये चारों चीज़ें जो है वो फिर क्या है सीरीज में लगी हुई है ठीक है। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो 1.5 की बैटरी उसके साथ RX कनेक्टेड है, एज यू कैन सी हियर 1.5 की बैटरी उसके साथ RX कनेक्टेड है ठीक है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से RX कनेक्टेड है और पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कनेक्ट होगा, ये 14 ओम का रजिस्टर कनेक्ट होगा, ये आ गया आपके पास 14 ओम का रजिस्टर ठीक है, बीच में आपके पास फिर 10 ओम का रजिस्टर क्या आ गया इन पैरेलल आ गया, ये 10 ओम का रजिस्टर इन पैरेलल आ गया, और फिर बाकी ये जो सारी चीज़ें बची सही है, सारी चीज़ें बनी ये इन सीरीज आ गई ठीक है, क्या क्या बचा था 2.87 ये जीरो एडजस्टमेंट रजिस्टर ठीक है, जिसको हमने 2.875K रखा हुआ था ठीक है, मीटर का की रेजिस्टेंस दैट इज 3.82K ठीक है, मीटर का FSD करंट दैट इज 37.5 माइक्रो एम्पियर, और आपके पास ये सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में ऐड होके ये 9K, 900 और 90 बन के आपके पास सीरीज में ऐड होके ये बन गई 9.99K ओम ठीक है। तो समझो इस सर्किट से हमने आर मल्टीप्लाई बाय 1 रेंज वाला सर्किट को एक्सट्रैक्ट कर लिया ठीक है, अब ये सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया जो जो कि आपको बआसानी समझ आ सकता है ठीक है, ये सिंपल क्या बन गया सीरीज पैरेलल सर्किट बन गया ठीक है। अच्छा कंडीशन क्या थी, आपको दो कंडीशंस दी हुई थी, सबसे पहले आपको दी हुई थी व्हेन RX इज इक्वल टू 0 ठीक है, वो कह रहे हैं जब आपके पास RX की वैल्यू 0 आ रही हो उस वक्त आप करंट निकालें, और उस वक्त आप क्या निकालें उस वक्त आप करंट की वैल्यू निकालें कि क्या आ रही होगी ठीक है। मैंने क्या किया, हमने सिंपल इस सर्किट को देखा, भाई अगर मुझे IB करंट निकालना है ठीक है, अगर मुझे ये IB करंट निकालना है, इस करंट को मैंने नाम दे दिया IB ठीक है, अगर मुझे IB निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, मैं सर्किट को सॉल्व करूँ, इस सर्किट को पूरा सॉल्व करूँ ये सारी रेजिस्टेंसेस को पहले सीरीज में ऐड करूँ, ये 9.99K को 2.875K को 3.82 को सबको सीरीज में ऐड करूँ, फिर इसको किसके ऐड कर दूँ पैरेलल में इन पैरेलल विद 10 ओम सही है, और फिर सीरीज में ऐड क्या हो जाएगा 14 ओम, मतलब ये कुछ इस तरीके का सर्किट हो जाएगा, आसान सा है, LCA के कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आ रही होगी, पहले ये सर्किट कुछ इस तरीके का होगा ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंसेस ऐड होके सही है, ये क्या क्या ऐड हुआ, ये 9.9K इसमें क्या क्या ऐड हुआ, इसमें क्या क्या ऐड हुआ 9.9K 2.875K 3.82K सही है, ये सब ऐड हो गए, ये सीरीज में ऐड हो गई, फिर ये सब हो गए पैरेलल में किससे ऐड हुआ 10 ओम के, ये 10 ओम के पैरेलल हुआ ठीक है, फिर ये सिंप्लीफाई होकर सर्किट कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है, फिर ये दोनों क्या आ गई सीरीज में आ गई ठीक है, फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लिया,
और जब ये पूरा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा, RX की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है, कोई भी रेजिस्टेंस इसकी मौजूद नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरे पास सर्किट क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का सर्किट मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। एक ये सारी पूरी पूरी टोटल रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किए है ये आ जाएगी, और इस पे कितने वोल्ट्स होंगे, 1.5 वोल्ट्स होंगे, ठीक है। तो अगर मैं अल्टीमेटली इसका करंट निकालना चाहूँ, तो मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, IB = voltages / total resistance। अब ये देखो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस में वही काम किया हुआ है जो अभी मैंने समझाया है, कि पहले तीनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में ऐड कर लिया, ठीक है, फिर उसको 10 ओम के साथ पैरेलल में सॉल्व किया, फिर जो आंसर आया उसको 14 ओम के साथ ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली ये टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी आपकी, इस टोटल रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के बाद 1.5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा 62.516 मिली एम्पियर। ये कौन सा करंट आया, दिस इज IB, ठीक है, ये आपके पास IB आया, ठीक है, जिसको आप टोटल करंट भी कह सकते हो, सही है। फिर मैं कहूँ कि भाई अब जब हमने टोटल करंट निकाल लिया, सही है, तो और अब फिर हम इसको दोबारा से सॉल्व करना चाहें और हम मीटर का करंट निकालना चाहें, ठीक है। टोटल करंट मुझे पता है कितना आया, मेरे पास 62.5 आया, इसका मतलब जब ये करंट इस नोड पे आएगा तो इस दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट क्या आता है, 62.516 मिली, ठीक है, यहाँ पे आपके पास टोटल करंट ये था, ठीक है। जब ये एक रेजिस्टेंस ये बन जाएगी और दूसरी इसको सम करके बन जाएगी तो ये दो ब्रांचेस बन जाएंगी, मतलब जो भी करंट आ रहा होगा वो दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मुझे IM मतलब इस ब्रांच का करंट निकालना है तो मैं सिंपल करंट डिवाइडर रूल के थ्रू इसका करंट निकाल सकती हूँ। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, जो जिस पे जिसका करंट निकाल रहे होते हैं उसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस रखते हैं। फॉर सपोज मैं अगर रिवाइज करवाऊँ आप लोगों को इस चीज़ को, कि आपके पास अगर इस तरह का सर्किट होता है, ठीक है, मैं कह रही हूँ ये करंट है 2, सही है, और मुझे ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो मुझे अगर I2 निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I2 बराबर होगा I मतलब टोटल करंट डेट इज 2 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1, ठीक है। मतलब मुझे अगर I2 निकालना है तो मुझे यहाँ पे R1 रखना होगा, और अगर मुझे I1 निकालना होता तो मैं यहाँ पे I2 रखती, ठीक है। ये याद होगा आप लोगों को कि किस तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने यही काम यहाँ पे किया, हमने करंट डिवाइडर रूल लगाया सिंपल, और टोटल करंट क्या आता है, 62.516 मिली 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 16.685 मिली 16.685 कैसे आया, इसको ऐड करके, सबको ऐड करके, ठीक है, एज यू कैन सी है ये सबको ऐड करके 16.875 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास जो इस सिचुएशन में मेरे पास जो वो आई करंट आया दैट इज 37.5 माइक्रो एम्पेयर, किस पे आया, ये मेरे मीटर पे आया, ठीक है। ये 37.5 माइक्रो एम्पेयर जो मीटर पे आ रहा है ये किस केस में है, जब मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम है, मतलब मैंने कोई भी अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं की हुई, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, 0 ओम है, ठीक है। जब मेरे पास 24 ओम RX आ जाएगी तो फिर मेरे पास चेंज क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सीरीज में खाली, जब यहाँ पे पहले 14 ओम ऐड हो रही थी, अब यहाँ पे सीरीज में 24 ओम भी ऐड होगी, सही है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। ये क्या होगी, 44 ओम भी इसके साथ ऐड हो जाएगी। फिर अगेन इसको सिंप्लीफाई करके हमने IB निकाला, अब की बार हमारे लिए IB क्या आया, टोटल करंट कितना आया, 31.2
5 mA, और फिर हमने करंट डिवाइडर लगा के हमने मीटर का करंट निकाला तो वो आया 18.72 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एज यू कैन सी अगर मैं इसको देखूँ इस वैल्यू को, ठीक है, तो इस वैल्यू का को अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँ, मतलब इस वैल्यू को मैं हाफ करूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, 31.25, ऑलमोस्ट 31.254 मिली बनेगा। इसका मतलब अगर ये रीडिंग हमारी फुल स्केल के लिए थी, और जब इस केस में इसका हाफ करंट आया, तो इसका मतलब ये रीडिंग हमारी हाफ स्केल के लिए है। ठीक है, करंट क्या हो गया, हाफ हो गया इसका, तो इसका मतलब ये रीडिंग मेरी किसके लिए है, ये हाफ स्केल के लिए है। ठीक है, इसका मतलब 24 ओहम जो है वो, मतलब अगर टोटल स्केल है मेरे पास इस तरीके का, ठीक है, टोटल स्केल है इस तरीके का, तो मेरे पास फुल पे जब मेरे पास करंट था यहाँ पे 62, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेक्स्ट लिखना आसान, यहाँ पे करंट था मेरे पास 62.516 मिली, सही है, और हाफ स्केल पे मेरे पास करंट कितना था, हाफ स्केल पे मेरे पास करंट था 31.254 मिली। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास फुल स्केल पे कंडीशन क्या थी, 0 ओम के लिए था। ठीक है, 0 ओम के लिए था, और इसका मतलब ये वाला जो करंट है, ये जो 24 है, ये बेसिकली हाफ स्केल पे आ रहा होगा, मतलब जब करंट हाफ हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस उस वक्त क्या होगी, 24 ओम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके हम अननोन रेजिस्टेंस को के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जाहिर है अगर हमें करंट गिवन हो तो फिर हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास होता है। तो ये था आपका बेसिकली मल्टी रेंज ओहम मीटर, या जिसको शंट ओहम मीटर भी कहा जाता है। ये किस तरीके से काम कर रहा था, ये हमने आर मल्टीप्लाई बाय 1 रेंज के लिए देखा। अगर आर मल्टीप्लाई बाय 10 रेंज के लिए देखते तो जाहिर है सर्किट में चेंजेस आ जाती हैं, सही है, तो फिर हम ये वाली रेजिस्टेंसेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, इस रेजिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, 140 रेजिस्टर को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि किस तरीके से ये काम करता है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ठीक ये आपके ओहम मीटर का टॉपिक यहाँ पे जो है मैं हम ख़त्म करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो शुरू हो रहा है वो चैप्टर 4 है। ठीक है, तो मैं चैप्टर 4 पे स्विच करती हूँ। अच्छा जी, चैप्टर 3 में मज़ीद टॉपिक्स हैं, लेकिन ओबियसली आई एम फॉलोइंग द कोर्स आउटलाइन। तो जो कोर्स आउटलाइन में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ओके, अच्छा जी, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने जो जितने वोल्ट मीटर पढ़े, ठीक है, चैप्टर 3 में हमने वोल्ट मीटर पढ़ा, PMC को यूज़ करते थे, और उसके साथ हमने एक अदद मल्टीप्लायर रजिस्टर, जो सीरीज रजिस्टर लगाते थे उसको मल्टीप्लायर रजिस्टर कहते थे, हमने वो पढ़ा, हमने देखा कि भाई उसके थ्रू हम अपना सर्किट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो है आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ लिमिटेशन होती है। ठीक है, उस सर्किट के आपके पास कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, वो लिमिटेशन क्या है कि उसके थ्रू आप जो है वो बहुत लो वोल्टेजेस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो बहुत लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक, सही है, अगर आप हाई इम्पीडेंस सर्किट को मेजर करना चाहो तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास इशू
इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कि भाई हम लो करंट्स भी मेजर और लो वोल्टेजेस भी मेजर कर पाएँ और हमारे पास हाई इम्पीडेंस सर्किटरी की मेजरमेंट भी हो पाए, ये हाई रेजिस्टेंसेस को भी हम इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या जो इंस्ट्रूमेंट बने, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो फिर ड्राइव हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या किया गया, उसमें आपके पास वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए कि आपके पास इनपुट पे भी हाई रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और आपके पास जो जो लो वोल्टेजेस आ रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आप एम्पलीफाई करके मेजर कर सकें, ठीक है, और आप लो वोल्टेजेस को भी मेजर कर पाएँ और हाई रेजिस्टेंसेस को भी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए वो बेसिकली क्या किए गए कि आपके पास जो आपके सर्किट था उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगाए गए, ठीक है, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट थे PMMC इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके साथ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगाए गए और उनको जो है वो यूज़ करते हुए आपके मजीद इम्प्रूव सर्किट डिज़ाइन किए गए या इम्प्रूव इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए गए। ठीक है, इन वोल्ट मीटर को इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स कहा जाता है, ठीक है, जिसको आप मतलब जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, तो आप बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स और ओपैम्स यूज़ करते हुए इसको यूज़फुल बना रहे होते हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बेस्ड वोल्ट मीटर सर्किट की। ठीक है, कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम एक ट्रांजिस्टर बेस्ड वोल्ट मीटर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, सर्किट को देख के आप इजीली समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, BJT लगा हुआ है, जिसके बेस पे आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कलेक्टर पे भी आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एमीटर पे आपके पास क्या कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर पे आपके पास आपका मीटर PMMC मीटर चाहिए वो कनेक्ट किया। तो दिस इज़ बेसिकली अ वोल्ट एमीटर फॉलोअर सर्किट। ठीक है, ये बेसिकली कौन सा सर्किट है, एमीटर फॉलोअर सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट को अगर आप देखें तो ये सर्किट आपके पास क्या करेगा, ये हाई इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा आपको। ठीक है, ट्रांजिस्टर के आपको पता है इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, आउटपुट पे लो आउटपुट रेजिस्टेंस होगी आप उसके पास, ठीक है, ताकि आराम से आपका लोड ड्राइव हो सके। ठीक है, अच्छा जी, किया हुआ क्या, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं किया हुआ, आपके पास जो आपके बेस है सर्किट का, सही है, उसको एक सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू ई, सही है, ई एक वोल्टेज सप्लाई दी हुई है, ठीक है, जिससे आपके पास कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो आपका कलेक्टर और एमिटर है, इस पे VCC, वही जो हम पॉजिटिव VCC नेगेटिव VCC दे रहे होते हैं, वो आपके पास VCC कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली, कहाँ पे, आपके पास कलेक्टर पे, सही है, मतलब एक सप्लाई आपके पास बेस पे कनेक्ट की हुई है जिसको ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और एक सप्लाई आपके पास कलेक्टर पे एमिटर टू कलेक्टर टू एमिटर दी हुई है जिसको VCC से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट हमारे पास, अगर हम IV करंट की बात करें तो बेस करंट वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा जो भी हमारे पास अच्छा जो एमिटर करंट है उसको किससे बराबर लिया हुआ, जाहिर है जो यहाँ पे मीटर पे करंट आ रहा होगा वो वही करंट दिखा रहा होगा जो यहाँ पे एमिटर में से फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि जाहिर है सीरीज़ में लगा हुआ है, इस सर्किट में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई IE बराबर है IM के। ठीक है, तो अगर आपको बेस का करंट निकालना है तो हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, हम ये जो एमिटर का करंट आ रहा है इसको डिवाइडेड बाय गेन करें तो हमारे पास बेस का करंट आ जाएगा। ठीक है, गेन को यहाँ पे HFE से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, HFE से, अच्छा जी, और फिर अगर इसी तरीके से अगर मुझे इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है, आउटपुट करंट मैंने देख लिया कि मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ, मुझे इनपुट रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, जो भी हमारे पास इनपुट पे वोल्टेजेस दिए हुए हैं उसको मैं अगर इनपुट के करंट से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास वी
बी इक्वल्स टू आई आर सिंपल यूज़ किया हुआ है, बी ओवर आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो इस तरीके से मैं इनपुट की रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो इस ट्रांजिस्टर को लगाने का फ़ायदा क्या हुआ, इस ट्रांजिस्टर को लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि इसकी वजह से आपके पास जो करंट है वो एम्पलीफाई होके भी आएगा, ठीक है, और आपके पास इनपुट पे जो लो इम्पीडेंस का मसला था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के इनपुट पे हाई इम्पीडेंस होती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसका भी एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आपके पास गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं और ताकि आपको ये मज़ीद सके समझ में आ जाए। ठीक है, द सिंपल एमीटर फॉलोअर ऊपर ही वाला सर्किट डिस्कस किया गया है, बस यहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन है कि भाई आपके पास जब वी सी सी 20 वोल्ट्स होगा, आर एस प्लस आर एम की वैल्यू 9.3 के होगी, करंट मीटर का करंट आपके पास 1 mA होगा एट फुल स्केल, ठीक है, तो और ट्रांजिस्टर का गेन 100 होगा। सही है, तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मीटर का करंट जब आपके पास इनपुट पे सप्लाई क्या दी हुई हो, 10 वोल्ट दी हुई। ठीक है, अच्छा वो ये कहना है कि भैया हमने इनपुट पे 10 वोल्ट सप्लाई दी हुई है, तो आप मीटर का करंट उस सूरत में मेजर करें। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ की वोल्टेजेस निकालना चाहूँ, सही है, अब यहाँ का करंट मैं कैसे, मीटर का करंट मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मुझे इस पोर्शन का वोल्टेज पता चल जाए, ठीक है, इसके ऊपर का वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाए और उस वोल्टेज ड्रॉप को मैं इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ, सही है, तो मैं कैसे क्या निकाल सकती हूँ, मैं इसका करंट निकाल सकती हूँ। ठीक है, इसका वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता चलेगा, भाई जो भी हमारे पास सप्लाई आ रही है ई, जो भी वोल्टेजेस आ रहे हैं इन बेस पे ई, ट्रांजिस्टर पे ड्रॉप हो रहा होगा, जितने बचे हुए वोल्टेजेस होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मेरा जो वी ई है, जो एमिटर पे वोल्टेजेस हैं, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे जो आपने ई दिया हुआ है, सप्लाई वोल्टेजेस ई दिए हुए हैं बेस पे, उसमें से अगर मैं ट्रांजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी ई की वैल्यू आ जाएगी, एमिटर पे जितने वोल्टेजेस आ रहे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या था, 10 माइनस 0.7, तो ये बन जाएगी आपके पास 9.3 वोल्ट वोल्टेजेस। ठीक है, मतलब हमारे पास एमीटर पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 9.3 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं अगर एमीटर का करंट निकालना चाहूँ, दैट इज़ आई ई से, है तो वो कैसे निकाल सकती हूँ, आई, अच्छा आई बराबर है आई एम के, तो मैं वो कैसे निकाल सकती हूँ, मैं डिवाइड करूँगी 9.3 को किससे, आर एस प्लस आर एम से, आर एस प्लस आर एम की वैल्यू गिवन थी, आर एस प्लस आर एम की वैल्यू आपके पास वैल्यू अभी मुझे याद नहीं है, मेरे पास मेरे ख्याल से 9.3 के से मेरे पास ये क्या आ गया थी, 9.3 के, 9.3 डिवाइड बाय 9.3 के करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास 1 mA करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आई मेरा किसके बराबर आया, 1 mA के बराबर आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिटरमाइन द वोल्ट मीटर इनपुट रेजिस्टेंस विद एंड विदाउट ट्रांजिस्टर। वो कह रहे हैं कि भाई आप इनपुट रेजिस्टेंस निकालें, पहले इमेजिन करें कि ट्रांजिस्टर है और फिर इमेजिन करें ट्रांजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस पे दोनों केसेस में क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, जब ट्रांजिस्टर होगा उस वक्त क्या होगा, हमारे पास हमने इनपुट का करंट निकाल लिया, आई बी निकाल लिया, आई बी किसके बराबर होगा, आई ई डिवाइड बाय 100, मतलब जो भी गेन था आपका। सही है, आई ई क्या आया था, आई एन क्या आया था, हमारे पास 1 mA डिवाइड बाय गेन 100 किया तो हमारे पास 10 μA आ गया। ठीक है, आर आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस वोल्टेजेस जो कि 10 थे, 10 वोल्ट से डिवाइडेड बाय बेस करंट दैट इज 10 μ, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या बन गई, 1 mΩ, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस कितनी हाई है, 1 mΩ रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, अगर यही मैं काम विदाउट ट्रांजिस्टर करती, ठीक है, ट्रांजिस्टर नहीं होता तो हमारे पास सिंपल रेजिस्टेंस किसके बराबर होती, इन दोनों के सम के,
अगर मैं यहाँ से ट्रांजिस्टर हटा दूँ तो ये पूरा सीरीज सर्किट बन जाएगा और रेजिस्टेंस खाली किसके बराबर होगी इन दोनों के, दैट इज आर एस प्लस आर एम, दैट इज इक्वल्स टू 9.3 के किलो वोल्ट। तो अब देखो कितना डिफरेंस आया, कहाँ 1 मेगा ओम और कहाँ 9.3 किलो ओम, सही है। तो इस तरीके से इतना डिफरेंस हो जाता है आपके पास किसमें, जब आप ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो तब आपकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो जाती है, और जब आप ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ करते तो आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस खाली दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होती है, मतलब लो इनपुट एज कंपेयर टू द ट्रांजिस्टर केस आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आई गेस। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास, अच्छा उसके बाद आपके पास जीरो एडजस्टमेंट के लिए केस दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो टाइम 3 मिनट रह गए, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा, इंशाल्लाह भी मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगी कि किस तरीके से आपके पास अगर इसमें हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप का मसला आ जाए, ठीक है, बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप का मसला आ जाए तो हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर के ड्रॉप की वजह से जो हमारे पास लॉस हो रहा है 0.7 का, वो हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज अभी तक ये जो टॉपिक पढ़ाया ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा चैप्टर 3 में जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, सही है, मैं अभी आपको इसका असाइनमेंट भी दूंगी, वीकेंड पे मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगी, ठीक है। चैप्टर 3 से रिलेटेड, चैप्टर 3 में हमने वोल्ट मीटर, एम मीटर और ओम मीटर्स पढ़े, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स मैं दूंगी, असाइनमेंट दूंगी, तो उसे सॉल्व करना ताकि आपके पास जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर, ठीक है। ओके, बाकी इंशाल्लाह ताला संडे की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिट का रिजल्ट बेटा 1-2 दिन में आ जाएगा, कोशिश मेरी ये है कि वीकेंड पे निपटा दूँ।